नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा और आप देख रहे हैं न्यूज मार्केट टीम। न्यूज मार्केट टीम में आपका स्वागत है। आज चर्चा का विषय है दबाइए बेल आइकन और नोटिफिकेशन पाइए हमारी हर नए वीडियो की। लाइक करने के लिए नहीं कहूंगा क्योंकि आप तो करते ही हैं। भारत का बाप या पाकिस्तान का बाप? चौकिए मत, ये मैं नहीं कह रहा, ये चुने हुए राजनेता कह रहे हैं। भारत के वो नेता जो कभी सीएम की कुर्सी पे बैठा करते थे, उन्होंने भारत के बाप का बखान किया है, उन्होंने भारत का बाप बखाना है। भारत का बाप, मुद्दा कौन सा? कश्मीर का। बखानने वाले कौन? कश्मीर, जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला। फारूक अब्दुल्ला की बुद्धि सठिया गई है। जिस संविधान से गवर्न होकर के वो मुख्यमंत्री बने, आज उसी भारत का वो बाप बखान रहे हैं। उनका कहना है कि पीओके पाकिस्तान का अंग हो गया है, उस पर उसका अधिकार है। क्यों अधिकार है भाई? जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुआ तो उसमें कहां लिखा गया था कि एक पीओके होगा, उस पर पाकिस्तान आक्रमण करेगा और कब्जे में लेगा और वो उसका हो जाएगा? कहीं लिखा है? इसमें तो ये लिखा है कि जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होगा, अर्थात संपूर्ण जम्मू एवं कश्मीर। तो उसका कैसे हो गया पीओके? पीओके तो जम्मू कश्मीर का था और जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हो गया 1947 में। तो किस आधार पे आप उसका कह रहे हैं? ये तो आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। जी हां, आप गद्दारी कर रहे हैं और उस पर इतनी धृष्टता कि पीओके जम्मू कश्मीर उनके बाप का नहीं, उनके मतलब भारत के, हमारे बाप का है जम्मू कश्मीर, हमारे बाप का है क्योंकि विलय पत्र पर हस्ताक्षर हो चुका है और वो आपके बाप ने किया है, क्योंकि उस समय के शासक हरि सिंह थे, महाराजा हरि सिंह, उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया है। और जब कर दिया है तो भारत के बाप का हो गया और है, वो उस समय के शासक थे, यानी उस समय आपके संरक्षक थे और संरक्षक की तरह से बाप होता है, उस समय आपके बाप थे। अगर आप अबोध रहे होंगे तो आपके बाप के बाप होंगे वो। इसलिए भारत के बाप मत बखाना करिए। पता नहीं क्या हो गया है राजनेताओं को, जो मन में आया है बकते रखते हैं। ऐसे बकना बंद करिए। बुद्धि सठिया गई है तो चुपचाप बैठिए, जाकर के सर सपाटा करिए। राजनीति और कश्मीर के बारे में बात करने का हक नहीं है आपको। आप ऐसा नहीं कर सकते। कश्मीर क्या बना दिया है आप लोगों ने? कश्मीर का स्वर्ग था, पत्थरबाजी, आतंकियों को घर में बिठाना, भारत के खिलाफ भड़काना, यही है। पाकिस्तान आपका साथ दे रहा है। क्यों? भारत में अशांति फैलाना चाहता है, स्वर्ग कश्मीर को नर्क में तब्दील करना चाहता है और आप लोग उसकी भाषा बोलते हैं। इसीलिए उसका मनोबल बढ़ा हुआ है। छोटा सा पाकिस्तान कुत्ते की शक्ल का नक्शे में दिखता है और आप लोगों जैसे लोग उसे सर पे बिठाते हैं, कहते हैं कि पाकिस्तान एक थर्ड पर्सन देश है, उसको भी बातचीत में शामिल करो। क्या थर्ड पर्सन देश है? उसने आक्रमण करके जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से को आज तक कब्जे में ले रखा है, उसे बातचीत करने के लिए बुलाएं? क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम है और आप भी मुस्लिम हैं। हद हो गई है।
ऐसे लोगों की तो जवान काट लेनी चाहिए। कैसे आप मुख्यमंत्री बन गए समझ में नहीं आता। क्या इसी तरह की राजनीति करके आप मुख्यमंत्री बने? शर्म से डूब मरिए। भारत के बाप को बखान रहे हैं आप। भारत क्या है आप नहीं जानते। भारत जैसा सहनशील देश है पाकिस्तान? क्या होता है वहां पे? आतंकियों का प्रशिक्षण, आतंकवाद पढ़ाया जाता है। धर्म के नाम पर बरगला करके भारत में आतंक फैलाने के लिए नौजवानों को तैयार किया जाता है। आतंक की फैक्ट्री पाकिस्तान, उसी से लगाव है आपको क्यों? और जो इतने अनुदान दे रहा है, विकास के कार्यों को कर रहा है, आपके कंधे से कंधा मिलाना चाहता है, वो आपके लिए उसका बाप बखान रहे हैं। कितने गैरतमंद हैं, दिख रहा है, समझ में आ रहा है लोगों को भी, भारतवासियों को भी, कश्मीरियों को भी। हद हो गई है आप लोगों की। कश्मीर आपका है, ऐसे छोटे छोटे आप जैसे छोटे छोटे कई स्टेट्स भारत में विलय किए, भारत के हो गए, उन्होंने तो कभी नहीं कहा हमें स्वायत्तता दी जाए, हमें ये किया जाए, हमें वो किया जाए। क्यों क्यों स्वायत्तता दी जाए आपको अधिक? क्यों संविधान में अलग प्रावधान बनाया जाए आपके लिए? क्यों? क्या भारत के अन्य नागरिक भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं? उन्हें प्रताड़ना दी जाती है भारत में, आप उस प्रताड़ना को सहन नहीं करेंगे? एक अलग दिखना चाहते हैं आप? क्यों क्यों आप ऊपर से बना के आए, सींग लेके उगे हैं? भारत के अन्य लोग मनुष्य हैं और आप भगवान शिव के नंदी हैं? क्या हैं आप? आप भी एक मानव हैं और भारत के सभी लोग मानव हैं। जितना भारत सरकार जितना उनको अधिकार दी है संविधान में, उतना आपको भी देना चाहिए। अगर उसे कम मिले तो कहिए। लेकिन स्पेशल क्यों होंगे आप? ये नहीं हो सकता, ये बहुत जल्दी आप समझ लीजिए। नमस्कार।